व्हाट्सअप के सब सभी लोग वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है मनाली टू पुणे। अब एक दिन में तो मनाली टू पुणे पहुंचेंगे नहीं, उससे पहले कहीं रेस्ट ले लेंगे, वो देखेंगे शायद जयपुर में लेंगे। तो आज तो निकलेंगे यहाँ से, हम लेह लद्दाख से मनाली आ गए थे, सोए थे, अभी बैग भी गाड़ी को बांध दिया है, अभी निकलेंगे। बॉस कुछ भी कहो, लद्दाख राइड में मजा बहुत आया, सीरियसली अलग ही फीलिंग थी और बर्फ ही बर्फ थी। फर्स्ट टाइम मैंने बर्फ देखी थी। तो आपने वो ब्लॉग देखा होगा लद्दाख को, तो बताना कैसा लगा था वो कमेंट करके। बस अभी चलते हैं यहाँ से, चलिए बाइक दिखाता हूँ। अभी अपनी बाइक रेडी है, ये अपना होटल था, सही था मतलब, और अभी निकलेंगे यहाँ से पुणे के लिए। अपनी बाइक है और गाइस इसमें आपको तो पता ही, ऑयल सील लीक हो गई थी अगर आपने पिछले दो ब्लॉग देखे तो। ये देखो पूरा शॉक अब्जर गिल्ला हो गया, उसके कारण पूरा व्हील भी गिल्ला हो चुका है, और इसके कारण हवे से उड़ के यहाँ पे पूरा रेडिएटर पर भी ऑयल आ चुका है। ये देखो पूरा गिल्ला है भाई साहब, और अभी देखते हैं हालत। ओ तेरी अभी भी लीक हो रहा है अच्छा खासा। ये तो अच्छी बात है कि ये शॉक अब्जर पे नहीं हुआ, ये शॉक अब्जर पे हुआ रहता ना तो पूरे डिस्क पर ऑयल गिरता, फिर ब्रेक ही काम नहीं करती अगली वाली, लगती ही नहीं ब्रेक। तो अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है। देखेंगे इसको चंडीगढ़ या दिल्ली पुणे कॉम्पिटी करवाएंगे, अब इसके ऊपर ही है। अब ज़्यादा हो जाएंगे तो बीच में ही करवाना पड़ेगा, नहीं होगा तो पुणे में भी करवा सकते, देखेंगे। लेकिन बाइक दिख धासुरी है बॉस, आपको बता दूँ ले टू मनाली, मनाली टू ले। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बाइक्स में, वो आती है पेट्रोल की, इसलिए आपने भी कैन कैरी करना, हमने कर लिया है। अभी तो हम मनाली में आ चुके हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको, क्योंकि अभी पेट्रोल पंप ही पेट्रोल पंप है, वहाँ पे 350 किलोमीटर के अंदर पेट्रोल पंप नहीं है। तो आप देख लेना आपके माइलेज के हिसाब से कितने लीटर का कैन लाना है। ये चलते हैं बॉस, कैसे हो भैया? और आपको गाइस बता दूँ, ये असम के फर्स्ट बंदे जो स्कूटी पर आए हो लद्दाख में, कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भैया, तो न्यूज़ में आएंगे। एविएटर पर आए बॉस, हिम्मत देखो भैया की। भैया ने 2019 में साउथ इंडिया भी मारा था, पूरा साउथ इंडिया घूमे थे। अच्छा कर्नाटका वो सब घूमे थे, और अब भी आए लद्दाख पर एविएटर पर, वाह। तो अभी यहाँ से निकल चुके हैं जयपुर के लिए, जयपुर यहाँ से कुछ 750 किलोमीटर है, देखते अभी एक टाइम में हम पहुँच गए तो अच्छी बात है, वरना कहीं ब्रेक ले लेंगे एक नाइट के लिए। अभी तो हम जा रहे हैं हजिम्बा टेम्पल, ऐसा ही कुछ तो था नाम हजिम्बा टेम्पल, अभी हम पे जा रहे हैं। और ये अपने भैया, और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं, आप देख सकते हो बॉस हरियाली कितनी है, हरियाली हरियाली चारों तरफ, और पेड़ कितने बड़े बड़े हैं। ये पार्किंग है शायद, और हजिम्बा टेम्पल सामने ही है, ये पूरा मार्केट है यहाँ का। ये देखो बापरे बाल देखो कितने डेंजर है, ऐसे चलते हैं हजिम्बा टेम्पल पर। ये देखो भाई साहब, ये भैया खुद पेंट कर रहे इधर उतर पे, लकड़ी पे पेंटिंग की है पूरी, देखो कितनी सुंदर की है, वाह इसको बोलते हैं आर्टिस्ट। तो बॉस पोर्ट्रेट बना रहे वहाँ पे, मतलब क्या क्या आर्टिस्ट है। ये हजिम्बा टेम्पल, और इधर बच्चों के लिए खेलने को भी बहुत है, ये देखो मतलब उस साइड है। ये तो बॉस बहुत पुराना टेम्पल है भाई, काफ़ी पुराना लग रहा है, हेलमेट के कारण बाल भी खराब हो गए। अभी चेरी लेने आए, चेरी लेते हैं, अभी चेरी लिए देखते कैसी है। और बाप रे आंख पे आ रही है तो ओ भाई साहब मेरे से क्या चिड़चिड़ है इसको भाई, राइड कर रहे हैं, बहुत ही डेंजर दिख रही है, इसकी साइज देखो। तो गाइस यहाँ पे हमारे यश भाई रॉकी KGF 3 यहीं से ही रिलीज होने वाली है, क्यों भैया? हाँ मैं ही बनाने वाला हूँ। हाँ करो ना यार, जिस तो आदमी है यश भाई। ये देखो बॉस पेड़ कितने लंबे और बड़े, देखो बॉस यहाँ पे टेंपल पे पब्लिक कितनी, और ये शायद इनके कपड़े कल्चर के यहाँ के, पता नहीं बॉस कितना क्यूट है। वापिस आ चुके हैं यहाँ पे बैठेंगे आराम से 5-10 मिनट, निकल रहे हैं यहाँ से टेंपल से, वीडियो गेम खेलते हैं यहाँ पे बच्चों का, अभी यहाँ से निकलते हैं। और ये व्लॉग में हम मनाली के कोई कोई स्पॉट एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि अभी ये हजिम्बा टेम्पल किया था, और भी ऐसा कोई अभी जाएंगे। अभी हमने हिडिम कुछ तो नाम है हजिम्बा टेम्पल एक्सप्लोर किया, ऐसे ही और कहीं जाएंगे देखते हैं। वहाँ पे भी अगले व्लॉग में अपन निकलेंगे पुणे के लिए, जो वापस हमारा प्लान हो चुका है एक दिन एक्सटेंड करने का मनाली में, ये व्लॉग में हम सिर्फ एक्सप्लोर ही करेंगे।
और मनाली में एक दिन के लिए और रुके। हम लोगों ने एक दिन एक्सटेंड कर लिया मनाली में, अर्जेंट अब भी प्लान बनाए कि एक दिन और रुकेंगे। तो गाइज ये अपना प्यारा रूम, वापिस आ चुके इधर। मतलब अब भी हमने चेकआउट किया था, वापिस सेकेंड टाइम चेक इन कर लिए क्योंकि अभी हमारा अब भी एक्सटेंड हो गया एक दिन। मतलब अर्जेंटली सोचा और थोड़ा घूम लेते मनाली, इसलिए एक दिन और बढ़ा दिया। अरे रॉकी भाई आगे जाओ ना, तुम आगे जाके रुको रुको। तो हमारे रॉकी भाई रेडी हो चुके हैं, ये देखो शर्मा रहे गाइस। ये ऐसी मूर्ति है यहाँ पे माल रोड पर, मतलब माल रोड मालार रोड कुछ तो नाम है ऐसा। देखो माल रोड में ये तो को बॉस पब्लिक, देखो माल रोड का मार्केट है और मनाली का मेन है का बड़ा मार्केट है, हर चीज की शॉप है यहाँ पे। ये देखो गाइस जिसका एक अलग व्लॉग भी बनाया मैंने, हमारे गाँव में भी ऐसा था, वो भी वीडियो जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी हम आए मोमोज खाने, मोमोज खाते। आज अपन ने मनाली में थोड़ा बहुत ही घुमा, ज्यादा नहीं घुमा। एक तो हिडिम्बा ऐसा कुछ नाम था, हिडिम्बा टेम्पल पे गए थे और मनाली मार्केट में घूमे, देखा विंडो शॉपिंग की एक टाइप से। अभी हम दोनों बहुत थक चुके इसलिए जा रहे होटल पर। तो अब ये व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है क्योंकि अब तो क्या ही दिखाएंगे, अब तो घर जाके सो जाएंगे खाना खा के। ये व्लॉग में हम पुणे जाने वाले थे लेकिन वो कैंसिल कर दिया, एक दिन एक्सटेंड कर दिया क्योंकि वो हिडिम्बा टेम्पल पे भी जाना था।